देखिए जघन्य घटना हुई है। हम इस घटना के मौके पर भी जाना चाह रहे हैं, अभी सुनील से हमारी बात हो ही गई है। तो इस घटना के बाद जो इन पर दुख का जो बाहर टूटा है, तो हम सुनील के साथ हैं और हम यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री से मांग भी हम करते हैं कि ऐसी जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे, और लोग रोक लगने के बाद जो सुनील के परिवार को इस घटना से शीघ्र घटना का शीघ्र से पर्दाफाश होना चाहिए, बहुत जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री से ये भी मांग करेंगे कि पर्दाफाश हो तुरंत, और ये अपराधी जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए। और हमारी मांग है इस परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, जिससे ये परिवार फिर से खड़ा हो सके, और जो बेटी बची है 4 साल की जो बेटी बची है उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सबका इंतजाम, और सुनील जो बच्चा है इसकी नौकरी का प्रबंध भी हो और इनकी सुरक्षा हो, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की व्यवस्था हो, आर्थिक मदद भी इस परिवार को मिले जिससे परिवार ये फिर से खड़ा हो सके। और ऐसी घटनाएं, एक घटना ये हुई है इसके पहले नवाबगंज थाने में भी घटना हुई है, ऐसी घटना पर रोक लगना चाहिए। और इस घटना का और दूसरी नवाबगंज में घटना जो हुई उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई, लगातार हो रही, नवाबगंज में हुई, उसके पहले और भी हुई हैं घटनाएं, तो वही तो हम मांग कर रहे हैं ना, ऐसी घटनाएं फिर से न हो, और जो घटना हुई उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो खेवरे गांव में जो घटना हुई है जिसमें हम अभी आए सुनील हमारे सामने खड़े हैं, तो इस परिवार को सुरक्षा भी मिले, आर्थिक सहायता भी मिले, और जो बेटी बची है तो उसका पढ़ाई लिखाई से इंतजाम होना चाहिए। परिवार
परिवार के लिए। हाथ उठा के बना रहा हूँ। जूम है कैमरा, जूम है। सेम हाथ पीछे करो। हाँ चलिए, हाइड कर दीजिए। लाइक